फ्रेंड्स, पवन किचन ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज शुक्रवार है और शुक्रवार का मामा वेवक लक्ष्मी व्रत मैंने उद्यापन किया है, तो उसी का वीडियो मैंने बनाया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, और चैनल में जो भी नए फ्रेंड्स आते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और कमेंट करके मुझे बताएगा आपको कैसा लगा। तो महावैवक लक्ष्मी के व्रत के दिन मैंने नहा धो के अच्छे से अपनी पूजा कंप्लीट कर ली है, गैस पूजा भी कर दी है मैंने। और अभी मैं बनाने वाली हूँ महावैवक लक्ष्मी के प्रसाद। तो प्रसाद में बनता है सबसे पहले खीर, और खीर का ही माँ को भोग लगता है। तो मैंने यहाँ पे खीर की तैयारी पूरी कर ली है, दूध अच्छे से बॉयल होने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे तो फ्रेंड्स मैंने साथ में ही आलू को भी बॉयल होने के लिए रख दिया है। साथ में आप देख सकते हो मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को कट कर लिया है, ये चिरौंजी है और ये मखाने हैं। तो खीर की तैयारी भी हो चुकी है, तो अभी मैं दूध हल्का सा बॉयल आ चुका है, तो यहाँ पे चावल को भी पानी में पहले ही सॉक करके रख दिया था 10 मिनट्स पहले। थोड़े से पानी को सॉक कर लेते हैं ना चावलों को, तो उसमें क्या होता है सॉफ्ट भी हो जाते हैं और थोड़े जल्दी पकते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं सब्जी की तैयारी भी कर लेती हूँ साथ में। तो अभी दूध में बॉयल आ गया है, तो सबसे पहले मैं चावल डाल दूँगी, क्योंकि सबसे मेन खीर है। खीर धीरे धीरे पकती रहेगी, लेट तक कोई जल्दी नहीं रहेगी, और आराम से जितनी जल्दी ज़्यादा पकेगी खीर उतनी टेस्टी होती है। तो अभी मैंने चावल डाल के उसको मिला दिया है, उसको कंटिन्यू चलाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने एक पेन लिया है फ्राई पेन, उसमें डाला है घी 2 स्पून, और साथ में जो भी ड्राई फ्रूट्स काटे थे मैंने, बादाम काजू, उनको भी मैं अच्छे से फ्राई करूँगी। थोड़ा सा उनको हल्का सा घी में हम रोस्ट कर लेते हैं, तो उसका खीर में टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और मतलब जैसे धीरे धीरे वो दूध में डालेंगे तो वो पकते हैं, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो अभी मैंने इनको अच्छे से फ्राई करने के बाद साथ में डालूँगी किशमिश और थोड़ी सी चिरौंजी। तो आज मेरा फास्टिंग था और साथ में सारा काम भी करना था, तो काम की भी जल्दी है और थोड़ा एनर्जी भी कम है, लेकिन माता रानी बोलते हैं ना, माता रानी अपने आप सबको एनर्जी दे देती है काम करने के लिए। तो अभी मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दिए खीर में और मिला दिए। साथ में ही मैंने मखाने लिए हैं, उनको भी मैं थोड़ा सा हल्का सा फ्राई कर लूँगी। मखानों से क्या होता है, एक तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है, प्रसाद में आप मखाने हमेशा यूज कीजिएगा, और साथ में ही उसको हम डालेंगे तो हमारी खीर भी थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी अच्छी बनेगी, तो दो काम हो जाएंगे। तो यहाँ पर इनको भी मैं मिला देती हूँ, और थोड़ी थोड़ी देर में आप खीर को चलाते रहिए, क्योंकि चावल कहीं नीचे लगे नहीं। तो अभी आप देख सकते हो खीर अच्छे से बॉईल हो रही है, तो साथ में मैं सब्जी बना लेती हूँ। और सब्जी एकदम सिंपल तरीके से बनाई है, एकदम आसान सी रेसिपी है। आलू बॉईल किए, उनको मैंने छिल के रख दिए है, और इधर मैंने मसाला रेडी कर लिया है, और साथ में प्याज वगैरह काट लिया है। तो अभी तेल अच्छे से बॉईल हो गया है, तो इसमें मैं डाल देती हूँ ये प्याज। और प्याज और लहसुन अदरक कोई नहीं खाता तो प्लीज़ स्किप कर सकते हैं महावैवक लक्ष्मी के उद्यापन में, लेकिन हम लोग खाते हैं तो मैंने इसको डाला है। और मैं बनाने वाली हूँ खीर, पूड़ी और आलू टमाटर की सब्जी, और साथ में एक भिंडी की सब्जी। तो इसकी रेसिपी आप ज़रूर देखिएगा, थोड़ा जल्दी है तो मैं फटाफट बना रही हूँ। तो यहाँ पे मिक्सी में मैंने अदरक लहसुन और हरी मिर्ची को पीसा था, वो भी मैंने डाल दिया है। तो इसको भी अच्छे से थोड़ा फ्राई कर लेंगे 5 मिनट के लिए, उसके बाद हम डालेंगे इसमें पाउडर मसाले। और पाउडर मसालों में सिंपल बेसिक मसाले जो होते हैं, जैसे हल्दी, नमक, मिर्ची और धनिया, यही मैं डालने वाली हूँ। थोड़ा सा आप गरम मसाला उसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पे प्याज अच्छे से भून चुके हैं, तो मैं इसमें पाउडर मसाले डाल देती हूँ, और इधर शक्कर भी मैंने उसमें डाल दिए खीर में, क्योंकि दूध भी अच्छे से मतलब गाढ़ा सा हो रहा था और चावल मेरे पक चुके थे, तो मैंने उसमें भी शक्कर डाल दी। शक्कर मैंने डाला जैसे चावल लेते हैं उस हिसाब से मैंने शक्कर डाली है। तो यहाँ पर 4 लीटर की मैं खीर बना रही हूँ। तो यहाँ पर दोनों हाथ मेरे चल रहे हैं साथ में, बोलते हैं ना लेडीज दोनों हाथ दो से और दो गैस है तो दोनों पे काम कर सकते, अगर 3 भी होते 4 भी होते तो भी वो हम कर लेते हैं, तो लेडीज़ को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। तो यहाँ पे सब्जी में ग्रेवी मतलब मैंने तैयार कर ली है, साथ में डाल देती हूँ 6 कम से कम मैंने 6 टमाटर लिए थे, और मीडियम साइज़ के टमाटर थे बढ़िया, और उनको काटा है और उनको डाला है। टमाटर से क्या होगा, एक अच्छा सा टेस्ट आता है और थोड़ा ग्रेवी भी अच्छी हो जाएगी, इसलिए मैंने पहले डाले हैं। तो यहाँ पे मेरी देखिए ग्रेवी रेडी हो गई है, तो मैं इसमें डाल देती हूँ आलू। आलू को मैं हाथ से ही तोड़ तोड़ के डाल रही हूँ, छोटे मोटे पतले कैसे भी हो वैसे डाल देती हूँ, क्योंकि वो सब एकदम बढ़िया हो जाते हैं बाद में। तो यहाँ पे मिला लेते हैं सबसे पहले, और मैंने डाल दिया इसमें पानी भर के। तो आप देख सकते हो अभी आपको लग रहा कि सब्जी कितनी ऐसी बनाई है इसने, लेकिन ये सब्जी में अभी थोड़ी देर में आप देखना बहुत गाढ़ी भी हो जाती है, आपको ये लगेगा कम पानी है। तो यहाँ पर एकदम सिंपल तरीके की सब्ज़ी बनाई है मैंने,
और जो हम सिंपल तरीके से बनाते हैं ना अबड़ खुड़ कर करके, वो सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है, ये चीज़ तो मुझे पता है। तो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ थोड़ी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी का इस सब्ज़ी में बहुत अच्छा फ्लेवर आने वाला है, और आप इसको तो ज़रूर डाला कीजिएगा। कड़ी है, आलू टमाटर की सब्ज़ी है, दाल है, इसमें कसूरी मेथी डालना ज़रूरी है, मतलब बहुत अच्छा फ्लेवर आता है उसका। तो यहाँ पे मैं इसको मिला देती हूँ सबसे पहले, और अगर आप इसको 5 मिनट के बाद देखना कितनी गाढ़ी हो जाएगी सब्ज़ी। मैं इसको 5 मिनट के लिए थोड़ा सा पका लूँगी अच्छे से, और वहाँ पे खीर को भी थोड़ा हिला देते हैं बीच बीच में, क्योंकि खीर भी बीच में हमारी पक रही है। तो मैंने अभी खीर का भी गैस थोड़ा मीडियम कर दिया था, तो मुझे थोड़ा पानी कम लगा तो मैंने और डाल दिया है। तो एक बार और मिला देंगे और फिर हम इसको चेक करेंगे सब्ज़ी को। वैसे आलू हमारे बॉयल है, लेकिन बोलते हैं ना थोड़ा सा घुटना चाहिए, कोई भी चीज़ है उसको थोड़ा हल्का हल्का हम धीरे धीरे पकाएंगे तो वो घुटेगी अच्छे से। तो अभी आप देख सकते हो सब्ज़ी में कलर तो आपको दिख ही रहा है कि कैसा कलर आया है, ये देखिए। तो बीच में मैं थोड़ा इसको कम गैस करके छोड़ के, और आराम से अपनी पूजा वगैरह की तैयारी कर ली है मैंने। और अभी आपको दिखाती हूँ मैं, ये देखिए खीर मेरी गाढ़ी हो चुकी है, सब्ज़ी मेरी अच्छे से रेडी है। तो दोनों सब्जी और खीर मेरी दोनों पक के बन के रेडी हो गई है। तो इनको मैं ढक्कन लगा के निकाल दूंगी और रख दूंगी नीचे। उसके बाद हम चलो दिखाती हूँ मैं आपको मैंने क्या क्या पूजा की तैयारी की है। और आज सच्ची में बहुत गर्मी थी, और अभी टाइम भी 5 से ऊपर हो गया है। तो अभी आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे फल वगैरह सब अच्छे से रखा है। यहाँ पे मैंने एक चौकी लगाई है, चौकी पे मैंने एक लाल कपड़ा बिछाया है, दिया लगाया घी का, और भगवान गणेश जी को बिठाया है, और साथ में माता रानी माँ लक्ष्मी को बिठा दिया है। एक कलश रखा है, उसमें मैंने पानी भरा है, उसमें पानी की मैं थोड़े से आंखें और क्या बोलते हैं इसको हल्दी डाली है, बनाना केले लिए हैं, और साथ में एक नारियल लिया है। पूरी ऊपर एक बाउल रखते हैं, उसमें फूल रखे, उसमें हम कोई भी हमारा गोल्ड का ज्वेलरी है वो रखेंगे। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ, और यहाँ पे मेरी फ्रेंड्स भी आ चुके हैं किचन में वापस। तो फ्रेंड्स मेरी आ गई थी, तो थोड़ा जल्दी ही मैंने उनको बुला लिया था। तो यहाँ पे मैंने भिंडी की सब्ज़ी, क्योंकि 5:30 हो गया था और सब लेडीज़ का आने का टाइम भी हो रहा था, तो फटाफट मैंने भिंडी की सब्ज़ी बनाई है। उसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर नहीं की है, तो आप देख सकते हो एकदम सिंपल तरीके से बनाई थी, लेकिन बहुत टेस्टी बनी थी, और देखने से आपको कलर पता चल रहा है। यहाँ पर मैंने तेल डाल के रख दिया कढ़ाई में पहले से ही, और आटा भी लगा दिया है। तो अभी सब लोग आ गए हैं, तो मैं भी रेडी हो गई हूँ। देख सकते हो आप कैसी लग रही हूँ, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए सब आ गए हैं, तो सब लोगों का फ़ोटोशूट भी थोड़ा थोड़ा हो ही रहा है, क्योंकि जहाँ पे लेडीज होगी फ़ोन होगा तो फ़ोटोशूट पक्का होगा। तो यहाँ पे सब लोग किचन में आ चुके हैं, और मैं वीडियो बना रही हूँ, आप देख सकते हो कि सब लोगों ने मेरी कितनी हेल्प की है और सबको कितना मज़ा आ रहा है। तो मुझे बोला कि तुमने बहुत काम किया, इसलिए तुम जगह ले दो, हम पूड़ी निकाल लेंगे। तो मेरी फ्रेंड्स मिलकर सब पूड़ी निकाल रही है, और अभी हमने खता भी कर ली है अच्छे से कंप्लीट माँ लक्ष्मी की। तो एकदम सिंपल सा मेरा व्रत था और सिंपल सा उद्यापन था, लेकिन हम लोगों ने बहुत अच्छे से किया है। और अभी आरती हमने कर ली है, तो अभी खाने की तैयारी आरती के बाद हो गई है। तो देख सकते हो सब लोगों ने, बच्चों ने और कुछ लोगों ने खाना खा लिया था, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि हम साथ में बैठ के खाएंगे, बातें भी करेंगे, क्योंकि लेडीज़ को कहाँ टाइम मिलता है बातें करने का, तो कुछ थोड़ी बातें भी हो जाती है गपशप और साथ में खाना। तो सब लोग अपने हिसाब से मिल के खाना खा रहे हैं, और सब लोग बोल रहे हैं कि तुम भी पहले खा लो, लेकिन ऐसे बोलते हैं ना, सबको खाना खिला के ही जो उद्यापन करती है उसको खाना खाना चाहिए, लेकिन वो सब लोग खा रहे थे तो उन्होंने ज़्यादा ही बोला था। फिर मैं भी अपनी प्लेट लगा लेती हूँ, और अभी खाना हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अभी आपको ये वीडियो कैसा लगा उद्यापन में, और जो भी आपके हिसाब से, जो भी आपके मतलब फुर्सत होती है उस हिसाब से आप जो चीज़ देना चाहते हो दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पर अपने हिसाब से दिया है, और ये व्रत का अध्यापन आप भी इसी प्रकार कर सकते हैं फ्रेंड्स।